यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डेटा को अलग अलग बाइफरकेट किया। 175 लोग थे, बॉयज़ और गर्ल्स में हमने बांटा 3 और 4 के अनुपात में, तो 75 और 100 हो गए। उसके बाद जो जानकारी जिस प्रकार से थी बॉयज़ और गर्ल्स का, हमने अलग अलग वेन डायग्राम बनाया। टोटल संस्कृत वाले हमारे पास 77 थे, टोटल स्टूडेंट्स है ना, 44% हमने निकाला, 77 आए, और हमने उसमें से फिर संस्कृत बॉयज़ को घटाया तो गर्ल्स का संस्कृत निकल गया, ओनली संस्कृत वाला निकल गया। एक बार जब ये वेन डायग्राम बन गया तो हम लोग इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते थे। आइए देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड ओनली फॉर हिंदी, ओनली फॉर हिंदी यानी किसकी बात हो रही है, 30 की बात हो रही है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंपोजिट सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली। कंपोजिट में कितने थे, 32। ठीक है, तो 30 बटे 32 अगर मैं इसका देखूँ तो क्या 15 बटे 16 कहूँगा क्या, क्या 15 बटे 16 हमारे पास ऑप्शन में है? हाँ है। ठीक है, आंसर क्या है वो मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया है। हाउ मेनी बॉयज हैव ऑप्टेड फॉर द कंपोजिट सब्जेक्ट, कंपोजिट सब्जेक्ट में कितने बॉयज हैं, 15 बॉयज हैं, बहुत ही आसान। हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड ओनली फॉर संस्कृत, ओनली फॉर संस्कृत में कितने हैं, 47 लड़कियां हैं। टोटल बॉयज हु ऑप्टेड फॉर कंपोजिट सब्जेक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा देखो यहाँ प्रतिशत निकालना है, ठीक है, कंपोजिट सब्जेक्ट का जिसकी बात हो रही है वो ऊपर, कभी भी प्रतिशत निकालना है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है वो ऊपर, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट हु ऑप्टेड ईदर फॉर हिंदी और संस्कृत, किससे तुलना करनी है, ईदर हिंदी और संस्कृत। ठीक है, अब जब ये ईदर हिंदी और ईदर संस्कृत की बात करेंगे तो क्या हम इसकी तुलना 60 से करनी चाहिए, क्या इसकी तुलना हमें 60 से करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसका अगर परसेंटेज देखोगे तो क्या 25% हो जाना चाहिए, क्या 25% हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड ओनली फॉर हिंदी इज व्हाट परसेंट। ठीक है, ओनली फॉर हिंदी मतलब 21 की बात हो रही है ना, 21 जो है इसकी बात हो रही है, ओनली फॉर हिंदी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल संख्या हमारे पास विद्यार्थियों की कितनी है, 175 है, तो हम लोग इसको 100 से गुणा कर देंगे और देख लेंगे, 25 से गया तो 4, 25 से गया तो 7, ये तुम्हारे पास 3 से गया तो कितना हो गया, 4 3 12, 12% आंसर। ठीक है बच्चों, एक बारी आंसर्स आप मैच कर लेंगे, आंसर्स मैंने आपको दे दिया। तो आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या हमारे पास इसका क्वेश्चन है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व किया जाए। इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट, अगेन देखो परसेंटेज में बात की जा रही है तो बिना किसी टेंशन के टोटल को 100% लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं ये सिर्फ 2 वाले मिले हैं, बट अगली क्लास में 3 एलिमेंट वाले क्वेश्चन भी हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और उसको भी करना चाहेंगे। 3 3 से अधिक वाले भी अगर आप पूछोगे तो मैं वो भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। 60% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, ठीक है, 60% लोग फुटबॉल खेलते हैं। 70% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये हमारे पास 70% प्ले क्रिकेट। 10% नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, बहुत बढ़िया, 10% लोग ये हैं। इफ 20 स्टूडेंट्स प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, यानी ये जो संख्या है ये 20 है, अगर ये 10% 20 है तो टोटल क्या 200 नहीं हो गई, काम ही खत्म हो गया भाई। देखो अब ये बताओ, ये अगर ये संख्या x है तो क्या 60 माइनस x नहीं हो जाएगा, मैं क्या बोलता हूँ, 70 प्लस 60 माइनस x, 70 ये वाला और 60 माइनस x ये वाला, ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 में से 10 कम यानी कि 90, समझ रहे हो कि नहीं। तो x को दाएं तरफ ले जाओ, इधर हो गया तुम्हारे पास कितना, 130, 130 में से 90 गया तो 40, यानी कि 40% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खेलते हैं। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव ऑल द नंबर्स विद यू, टोटल तुम्हें पता है। पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, तो भैया 60% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, आंसर 120 बोलूंगा मैं, सॉरी ये तो मैंने फुटबॉल पे आ गया ना, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे देखना चाहिए था। तो 70% कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, आई एम सॉरी, इसका आंसर क्या बोलूंगा, 140। ठीक है, मैंने फुटबॉल का देख लिया जबकि हमें देखना क्या था, क्रिकेट, क्रिकेट हमारे पास 70% में है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, और का मतलब क्या होता है, ये या फिर ये, सब कुछ, और का मतलब सब कुछ, तो 90% देख लो, बिकॉज 100% है, 10% लोग कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, तो बचे 90% कितना, 180 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 180। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली वन ऑफ द गेम, कोई टेंशन ही नहीं है,
भाई 40% लोग वो हैं जो दोनों खेल रहे हैं और 10% वो लोग हैं जो दोनों नहीं खेल रहे हैं। बचे 50% वो लोग कौन से हैं जो दोनों में से कोई एक गेम खेलते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले लोग हमारे पास 70%, तो बचे हुए 30% क्रिकेट नहीं खेलेंगे। 30% कितना हो जाएगा, 200 का 30% अगर मैं देखूँ तो 60 होना चाहिए, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो मैं यहाँ पे 60 बोलूंगा। ठीक है, आई विल से 30% and 60% as number। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट बोथ। क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट बोथ, यानी कि हमें एक्स का नंबर घटाना है। अगर एक्स का नंबर घटाना है तो देखो ये 40 है, 60 में से गया तो ये हो गया 20%, 70 में से गया तो ये हो गया 30%, 20% और 30% कितना हो गया 50%, 50% कितना होता है भैया 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका आंसर होना चाहिए। रजत कुमार ने आंसर दिया था ACBCA, नाइन्थ का तुम्हारा गलत लग रहा है, बाकी सब ठीक लग रहा है मुझे, है ना। नाइन्थ क्लियर कर दीजिए एक बार, नाइन्थ एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं रजत, आओ देख लो। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 70%। अगर 70% लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट नहीं खेलने वाले कितने हैं भाई, 30%। 200 का 30% अगर आप निकालोगे तो कितना, क्या 60 नहीं निकलेगा, है ना, दैट विल बी 60 नंबर निकालेंगे ना, परसेंटेज नहीं नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो 60 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नन ऑफ दीज बोलूंगा। ठीक है बच्चों,